शहर में ईद की नमाज के दौरान एक आवारा कुत्ता ना लेके अंदर से अचानक निकल आया। उस वक्त लाखों की संख्या में लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने ही वाले थे। अचानक नमाजियों के बीच में से एक शोर उठा। ये देखकर ईदगाह के ठीक सामने बनी इमारत की छत पर अस्थायी रूप से बने टेंट में बैठे डीएम और एसएसपी उठ खड़े हुए। वहां मौजूद पत्रकारों के कैमरे भी उधर ही घूम गए। तभी नमाजियों की सफों में से होते हुए चौकी इंचार्ज असालतपुरा मुमताज खान व चौकी इंचार्ज हरिंदर सिंह व दो अन्य पुलिसकर्मी उधर ही दौड़ पड़े। मुमताज खान और हरिंदर सिंह ने कुत्ते को पकड़कर जहां नगर निगम द्वारा पेड़ों की सुरक्षा के लिए बनाई गई बाउंड्री सर्किल में उठाकर डाल दिया। इसी दौरान कुत्ते ने मुमताज खान के हाथ में अपने दांत गड़ा दिए, जिससे मुमताज खान के हाथ में जख्म हो गया। इसी दौरान चौकी इंचार्ज हरिंदर सिंह पास में रखी लोहे की चादर को दौड़कर उठाकर लाए और उसे बाउंड्री सर्किल के ऊपर रख दिया और नमाज समाप्त होने तक उस पर बैठे रहे, जिससे उन्होंने नमाज के दौरान खलल पड़ने से रोक दिया। एक तरफ पुलिस का यह कार्य काबिले तारीफ है, तो वहीं नगर निगम की नाकामी को भी दर्शा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को मुरादाबाद के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 50,000 से अधिक नमाजियों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की थी। शहर इमाम सैयद मासूम अली आज़ाद ने ईद की नमाज अदा कराई। साथ ही यहां नमाजियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। खुद डीएम राकेश कुमार सिंह और एसएसपी जे रविंद्र गौड़ फोर्स के साथ नमाज के आखिर तक मौजूद रहे।